राज्य में महिलाओं के खिलाफ हिंसा में हर दिन वृद्धि हुई है और राज्य में महिलाएं महाविकास आघाड़ी की नकारात्मकता के कारण सुरक्षित नहीं। नागपुर ग्रामीण तहसील में भाजपा महिला आघाड़ी ने सोमवार को ग्रामीण तहसील के सामने धरना आंदोलन किया है। राज्य में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस सरकार के खिलाफ ये नारे लगाए गए। उसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को तहसीलदार मोहन टिकले के माध्यम से नागपुर तहसील में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर अंकुश लगाने के लिए एक बयान दिया गया। तीन तिघाड़ा काम बिगाड़ा वाली कहावत ठीक वही है जो सरकार चाहती है। जब से महाविकास आघाड़ी सरकार सत्ता में आई है, महिलाओं, युवाओं और लड़कियों के खिलाफ अत्याचार की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं पर अंकुश लगाने में राज्य सरकार पूरी तरह से विफल है, इसलिए सरकार को जगाने के लिए धरना आंदोलन का आयोजन किया गया था, ऐसा जिला महामंत्री अजय बोधरे ने कहा। इस अवसर पर महिला महासचिव शुभांगी गायधने, लावा सरपंच ज्योत्सना सुजीत नितनवरे, सुनंदा चौखंद्रे, मनीषा शिंगाड़े, जिला मंत्री सुजीत नितनवरे, वाड़ी मंडल अध्यक्ष प्रमोद गमे, उप सरपंच गजानन रामकर उपस्थित थे। NBC News के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।